भारतीय सेलिब्रिटियों की इनकम न सिर्फ फिल्मों से बल्कि उनके कई बिजनेस और विज्ञापनों के जरिए भी आती है, इसलिए वे देश के सबसे अधिक करदाताओं में से एक होते हैं। वहीं जब देश में इनकम टैक्स चुकाने की बात आती है तो इन दिनों एक अभिनेत्री काफी सुर्खियों में है। वो इन दिनों साउथ सिनेमा में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है और यहाँ हम उनके भारी इनकम टैक्स अमाउंट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल यहाँ हम दीपिका पादुकोण के बारे में बात कर रहे हैं, जो इन दिनों बॉलीवुड से ज्यादा साउथ की फिल्मों के सेट पर होती है। बताया जा रहा है कि वे देश की सबसे ज्यादा कर देने वाली फीमेल सेलिब्रिटी बन गई हैं। जीक्यू इंडिया के अनुसार दीपिका पादुकोण को वर्तमान में बॉलीवुड में सबसे अधिक कर देने वाली अभिनेत्री माना जाता है, क्योंकि उन्होंने वित्त वर्ष 2016-17 में कर के रूप में 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया था और तब से वे इसी तरह के एस्टिमेट से टैक्स पे कर रही हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक इस बीच कोई भी अन्य अभिनेत्री 10 करोड़ रुपए टैक्स चुकाने के करीब नहीं पहुंची है। इस सूची में दूसरे सबसे बड़े व्यक्ति आलिया भट्ट हैं, जो हर साल लगभग 5-6 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए जानी जाती हैं। दीपिका से पहले बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ बॉलीवुड की सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली अभिनेत्री थी। उन्होंने वित्त वर्ष 2013-14 में 5 करोड़ रुपए से अधिक टैक्स चुकाया था। हालांकि अपने नए प्रोजेक्ट्स की सफलता के साथ साथ नई व्यावसायिक संभावनाओं के बाद वे दीपिका पादुकोण से इस मामले में पिछड़ गईं। स्टॉक ग्रो के अनुसार दीपिका पादुकोण की अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 500 करोड़ रुपए है और वे प्रतिवर्ष 40 करोड़ रुपए कमाती हैं। 2018 के बाद से पठान अभिनेत्री ने फिल्मों के लिए अपनी फीस भी बढ़ा दी है। वे वर्तमान में फिल्मों के लिए लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए और विज्ञापन के लिए 8 करोड़ रुपए से अधिक चार्ज करती हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ दीपिका की हालिया फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और दुनिया भर में 1,030 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दीपिका की भारी संपत्ति और आय उन्हें बॉलीवुड में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली अभिनेत्री बनाती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां दीपिका पादुकोण अभिनेत्रियों की सूची में शीर्ष पर हैं, वहीं बॉलीवुड में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले अभिनेता अक्षय कुमार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार हर साल 25 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स भरते हैं।